अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अशरफ खान है और मैं इनलेट ऑफिस दिल्ली से लाइव वीडियो पे हूँ। हमारा ऑफिस दिल्ली में ओखला सराय जुलैना में, और मेरा नाम अशरफ खान है। दोस्तों, अभी मैं आपको विदेश के काम के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि अभी रमज़ान आने वाला है नेक्स्ट मंथ में। तो अभी जो भी काम है इंटरव्यू का हो रहा है, उसके बाद देखो इंशाल्लाह काम इंटरव्यू का आएगा तो ठीक है, नहीं तो सीवी सिलेक्शन पे होगा। अभी जो मेरे पास काम है, जो कल के डेट में अफ्रास कंपनी है सऊदी अरबिया का, जिसका इंटरव्यू चलने वाला है दिल्ली में, आप हमारे इनलेट ऑफिस के थ्रू आप इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अफ्रास कंपनी का जो काम है सऊदी अरबिया का, ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की कंपनी है। इसमें हमें इलेक्ट्रीशियन चाहिए, एसी टेक्नीशियन है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, हाउस इलेक्ट्रीशियन, एलिवेटर टेक्नीशियन, मेडिकल गैस टेक्नीशियन, बॉयलर टेक्नीशियन, नेटवर्क एंड सेंट्रल टेक्नीशियन, मैकेनिकल टेक्नीशियन है, फोटोकॉपी टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन है, फायर एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट टेक्नीशियन है, और वॉल पेंटर है, आरओ स्टेशन टेक्नीशियन है, कारपेंटर है, होम अप्लायंस टेक्नीशियन है, HVAC टेक्नीशियन है। ये सब जो काम आपको बताया जा रहा है, ये इंटरव्यू कल सुबह 9 बजे से चलेगा दिल्ली में। आप डायरेक्ट मेरे ऑफिस आ सकते हो, इनलेट ऑफिस दिल्ली ओखला सराय जुलैना में। HVAC टेक्नीशियन, पंप टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिक जनरेटर टेक्नीशियन, बायोमेडिकल टेक्नीशियन, एग्रीकल्चर टेक्नीशियन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टेक्नीशियन, सिविल टेक्नीशियन, वॉशिंग इक्विपमेंट टेक्नीशियन, मैकेनिकल जनरेटर टेक्नीशियन, केमिकल टेक्नीशियन, मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन। इसमें टेक्नीशियन इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का है प्रोजेक्ट। इसमें BMS टेक्नीशियन है, मेसन है, टेलीफोन एक्सचेंज टेक्नीशियन है, पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन है, वेल्डिंग ब्लैक स्मिथ टेक्नीशियन है, ऑटो इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन है, फायर अलार्म टेक्नीशियन है। इसमें उम्र 22 साल से 40 साल वाले अलाउ हैं। कंपनी आपको फ्री एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल और अदर बेनिफिट सऊदी का कानून के हिसाब से आपको मिलेगा। 8 घंटे का ड्यूटी है। और दूसरा चीज़ है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी काम आप लोग हमारा देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर या अपना ईमेल आईडी शेयर नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे आजकल एजेंसी क्या कर रही है, जिनके पास मैन पावर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो मैन पावर है, लेकिन बहुत सारे एजेंसी क्या करती है कि बहुत सारे एजेंसी का कमेंट बॉक्स से नंबर निकाल कर उनको फ़ोन करके उनके साथ गलत कर सकती है, इसलिए कंप्लेन आया है ऐसा। तो इसलिए आप सब रिक्वेस्ट है कि फेसबुक पे कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी शेयर नहीं करें, और कुछ भी पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9310292532 पे इंक्वायरी कर सकते हैं। दूसरा जो है, मंडे जो है 28 मार्च को मंडे को जो हमारे यहाँ इंटरव्यू है, पहला तो हमारे यहाँ 28 को एक कुवैत का है। कुवैत का जो है वो अबियात कंपनी है, कुवैत की कंपनी है। अबियात कंपनी में सोफ़ा टेलर जो सोफ़े का कवर ऊपर का सिलाई उलाई करेंगे, और सोफ़ा मेकर जो सोफ़ा बनाएंगे, ये दो कैटेगरी है कुवैत के लिए। दूसरा है इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, डकमैन, पाइप फीटर, प्लम्बर चार्ज एंड, ये दुबई के लिए हमें चाहिए। मंडे को इंटरव्यू है इसका। इसमें दुबई के लिए ECNR पासपोर्ट है और 2 साल का वर्क परमिट है। डायरेक्ट आपको वर्क परमिट मिलेगा 2 साल का, और इसमें आपको इंटरव्यू मंडे को देना होगा। उसके लिए आप एक दिन पहले संडे को भी, हमारा ऑफिस ओपन है, आप आकर फॉर्म वॉर्म रेडी करवा सकते हैं। दुबई में साथ में हमें बस ड्राइवर भी चाहिए। बस ड्राइवर जो चाहिए उनका लाइसेंस जो होगा वो दुबई का लाइसेंस चाहिए, ठीक है। मंडे को इसका इंटरव्यू है। फिर मंडे को हमें, मंडे का 2 इंटरव्यू है, एक दुबई है और एक कुवैत है। दुबई वाले में प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, डकमैन, पाइप फीटर, प्लम्बर चार्ज एंड और बस ड्राइवर चाहिए, ठीक है। ECNR पासपोर्ट और इंडियन एक्सपीरियंस, गल्फ एक्सपीरियंस सब चलेगा, लेकिन
इसमें वीजा 1 हफ्ते में मिलेगा, हफ्ता 10 दिन के अंदर इसमें वीजा है, अर्जेंट फ्लाइट है इसमें दुबई वाले में, एम्प्लॉयमेंट वीजा 2 साल का, वर्क परमिट। और दूसरा हमारे यहाँ जो कुवैत का इंटरव्यू है मंडे को, उसमें सोफा मेकर और सोफा टेलर चाहिए, तो ये कुवैत का इंटरव्यू है। दोनों में आप कल आकर अपना पेपर पर रेडी करवाएं, जिनके पास पेपर की कोई प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ अपना पासपोर्ट लेके आ सकते हैं, उनका पेपर यहाँ रेडी हो जाएगा दिल्ली में, कोई इशू नहीं है। दूसरा चीज 29 मार्च जो है मंगल का दिन है, मंगलवार को सऊदी का मक्का हरम का काम है, मक्का हरमेन का प्रोजेक्ट है सऊदी का, उसमें हमें बस ड्राइवर, टेलर ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर चाहिए। इसमें मैं बता दूं, इसमें प्रैक्टिकल होगा, आपको गाड़ी चला के दिखाना है, आपके पास लाइसेंस है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, आपको बस गाड़ी चलाने आना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट आपका फेस टू फेस ड्राइव करते हुए आपको देखेगा। इसमें नया बंदा पुराना बंदा सब चलेगा, नए बंदे का सैलरी जो है 1400 है, पुराने बंदे का सैलरी जो है 1600 है, प्लस इसके अलावा आपका कमीशन, ओवर टाइम ये सब अलग है, ये सिर्फ 8 घंटे का आपको बताया जा रहा है। दूसरा चीज मंडे, ये 29 मार्च का मैंने बता दिया आपको, बस ड्राइवर, टेलर ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर, फ्रेश रिटर्न सब चलेगा। दूसरा 1 अप्रैल, 29 तारीख के बाद डायरेक्ट 1 अप्रैल को इंटरव्यू है, 1 अप्रैल को जो इंटरव्यू है वो आपका है होटल और रेस्टोरेंट का। होटल और रेस्टोरेंट में क्या है कि जो बंदे चाहिए हमें, फ्रेशर ज़्यादा चाहिए, फ्रेशर का बहुत ज़्यादा नीड है, कम से कम इसमें 200 के आसपास वीज़ा अवेलेबल है, और इसमें जो बंदे चाहिए फ्रेशर में, जैसे बूचर हो गया, गोश्त काटने वाला मुर्गी और मटन काटना, किचन हेल्पर किचन में काम करने वाला, कुक हेल्पर है कुक खाने पकाने में मदद करने वाला, जनरल हेल्पर है जो सामान उमान जो भी राशन उशन होगा वो सब लोडिंग अनलोडिंग करने वाला, वेटर चाहिए, क्लीनर चाहिए, क्लीनर सफाई झाड़ू पोछा करने वाला, उसमें मेल और फीमेल दोनों चलेगा। फिर हमें रूम बॉय और ऑफिस बॉय टी बॉय भी चाहिए, उसमें भी मेल फीमेल बोथ एक्सेप्टेड है। बार्बर चाहिए, नाई हजाम बार्बर, सलाद मेकर चाहिए जो इंडियन और यूरोपियन और अरबी कोई भी सलाद बना ले चल जाएगा। सैंडविच मेकर है, सैंडविच मेकर में आपको सैंडविच बनाना है कोई भी सैंडविच बनाइए। चपाती मेकर है, चपाती में आपको अरबी और अपना तंदूरी या रोटी कुछ भी आपको बनाना। टेलर, जो टेलर चाहिए वो ऐसा नहीं कि सिर्फ जेंट्स है, जैसे होटल रेस्टोरेंट में जितने भी एम्प्लॉय है उनका ड्रेस यूनिफॉर्म आपको सिलाई करना है, साथ में इसमें जो और भी सामान होते हैं रूम वूम में, पीलो कवर हो गया, वो सब तो रेडीमेड आता ही है, लेकिन उसमें एक लोगो बनाना होता है कम होटल का, तो वो सब बनाने को मिलेगा, ये सब टेलर का काम है, बहुत इजी है। लॉन्ड्री मैन, धोबी भी चाहिए, ठीक है। तो ये इंटरव्यू 1 अप्रैल को दिल्ली में चलेगा, इनलेट ऑफिस दिल्ली में, आप डायरेक्ट आकर अपना पेपर ऊपर रेडी करा सकते हैं। इसमें फ्रेशर का नीड है, हेल्पर जो होंगे जितने भी हेल्पर वो उनका उम्र 35 साल से ऊपर नहीं चलेगा, 20 साल से लेकर 35 साल तक हेल्पर चाहिए, और बाकी जो कैटेगरी हेल्पर छोड़कर बाकी जो कैटेगरी है उनका उम्र 20 साल से 40 साल 38 साल तक चल जाएगा। ध्यान रहे इंटरव्यू में आपको आप आओगे तो आपको फॉर्मल ड्रेस में आना, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट या कोई भी पैंट हो, लेकिन पैंट हो, जीन्स वूंस ट्राउजर नहीं चलेगा, और फॉर्मल शूज हो गया, बियर्ड जो होगा वो छोटा मेरे तरह भी रख सकते हो या फिर क्लीन सेव भी कर सकते हो आप। और दूसरा आपका हेयर स्टाइल अच्छा कर लेना, नखून उखून नेल उल कटिंग रहना चाहिए, और साथ में आपको बेसिक इंग्लिश लिटिल बिट जरूर नहीं, बस आप इंग्लिश पढ़ लो, और सिर्फ आपको अपना इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ अशरफ खान, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई हैव 2 ईयर 3 ईयर एक्सपीरियंस इन होटल फील्ड, बस थोड़ा सा 4-5 लाइन अपने बारे में इंग्लिश में बोलना होगा, बस और कुछ नहीं, सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन। वो आप इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि 1 अप्रैल को इंटरव्यू है, तो आप 31 मार्च को विजिट करें दिल्ली। यहाँ पे रहने का भी सुविधा है, इंतजाम है रुकने का, जो दिल्ली से बाहर से आते हैं तो वो उनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, थोड़ा सा उनको नॉलेज दिया जाएगा, और उनका अगर पेपर एक्सपीरियंस नहीं है वो उनका प्रॉपर तैयार किया जाएगा, उनके पास CV नहीं है तो CV उनका बनवाया जाएगा, उनके पास पासपोर्ट की कॉपी नहीं है वो सब पूरा एक प्रॉपर एक फाइल तैयार करके उनका फार्म वार्म रेडी किया जाएगा, तो आप 31 मार्च को आ सकते हो। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों,
फोन करके आपको आना। डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारा ऑफिस का कॉन्टेक्ट नंबर, ऑफिस का एड्रेस सब कुछ है मेंशन। तो आप फोन करके आने से फायदा ये होता है, कभी कभी इंटरव्यू का डेट आगे भी बढ़ जाता है या कभी कभी पोस्टपोन भी हो जाता है किसी वजह से, तो फोन करके आना है या हमें व्हाट्सअप करें 9310292532 पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और हमारा ऑफिस का और भी नंबर है बहुत सारा, उस पर आप डिस्क्रिप्शन पे एड्रेस और नंबर देख सकते हैं। दूसरा, ये आपको दुबई का मैंने बताया, और ध्यान रहे ये सब वर्क परमिट है, एम्प्लॉयमेंट वीजा है 2 साल का। तीसरा चीज, हमारे ऑफिस में एक सऊदी का इंटरव्यू है 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल को इंटरव्यू है सऊदी का, बहुत अच्छी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें हमें मेसन, ऑलराउंडर मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, फर्नीचर कारपेंटर, शटरिंग कारपेंटर, HVAC टेक्नीशियन, AC टेक्नीशियन, STP ऑपरेटर एंड टेक्नीशियन, स्प्रे पेंटर, जनरेटर टेक्नीशियन, लिफ्ट टेक्नीशियन, टर्नर और BMS टेक्नीशियन, ठीक है, ये 3 अप्रैल को इंटरव्यू है, लेकिन आपको विजिट करना है 2 अप्रैल को। एक दिन पहले आने से फायदा ये होता है आपको कि आपका, देखो बहुत लोग हैं कि हमारे ऑफिस देखे हुए हैं, वो तो आसानी से हमारे पास पहुंच जाएंगे। अब कितने लोग होते हैं कि ऑफिस का सिर्फ एड्रेस है, ऑफिस देखे नहीं, तो उनको फिर ऑफिस ढूंढना पड़ता है, फिर ऑफिस आते हैं वो, फिर उनका पेपर, अगर कोई फोटोकॉपी नहीं तो फिर फोटोकॉपी वो कराएंगे, फिर उनका पेपर रेडी होगा, इस बीच में 9-10 बज जाते हैं, फिर इंटरव्यू में भीड़ हो जाता है, इंटरव्यू में क्राउड हो जाएगा, तो फिर आपका लाइन जो होगा, आपका नंबर फिर 100 लड़कों के बाद, 50 लड़कों के बाद आता है। तो उस केस में क्लाइंट क्या होता है कि ऐसा नहीं है, विदेश का जो इंटरव्यू होता है इंडिया की तरह नहीं है, इंडिया में क्या है कि 100 बंदे तो 100 का इंटरव्यू करेगा, उसके बाद फाइनल लिस्ट जनरेट करेगा कि मैंने 100 में से इतने को सिलेक्ट किया। विदेश का इंटरव्यू ऐसा नहीं, विदेश का इंटरव्यू में अगर सीट 20 सीट है तो वो 20 लड़कों का इंटरव्यू किया और 20 सिलेक्ट हो गए ना, तो इंटरव्यू खत्म। फिर बाहर में 100 लड़के भी खड़े हैं, उससे उसको कोई मतलब नहीं है क्लाइंट को, क्योंकि उसको 20 बंदे चाहिए थे और 20 बंदे फुल हो गए, तो वो बाकी लोगों का इंटरव्यू नहीं लेगा। इसलिए कोशिश करें एक दिन पहले आने का, एक दिन पहले आओगे आराम से, माइंड भी फ्रेश रहेगा, टायर्ड भी नहीं होगे, थकान भी नहीं होगा, आपका पेपर भी प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाएगा और इंटरव्यू में आप पार्टिसिपेट भी अच्छे से फ्रेश मूड से होगे। अभी ट्रैवल करके आओगे आप 500-600 किलोमीटर, फिर आप इंटरव्यू में बैठोगे, प्रॉपर आपका बॉडी भी थका हुआ रहेगा, आप इंटरव्यू कैसे दोगे? इसलिए कोशिश करो एक दिन पहले आने का। जो भी काम मैंने बताया है वो आपको कमेंट बॉक्स में उसका इमेज मिल जाएगा आपको। उसके अलावा आपको अगर वो पेपर चाहिए तो वो पेपर के लिए आप हमें व्हाट्सअप करें 9310292532। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज दोस्तों, मैंने अभी यूट्यूब चैनल भी बनाया है इनलेट जॉब्स के नाम से, तो उसको प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है उसको सब्सक्राइब करें। उसको सब्सक्राइब करने से क्या होगा, उसमें और भी बहुत सारा, मैं तो हर वीडियो बना नहीं पाऊंगा, तो बहुत सारा इमेज को ही वीडियो में कन्वर्ट करके हम यूट्यूब पे अपडेट कर लेते हैं, तो यूट्यूब पे आप उसको आसानी से, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपको वीडियो आप देख के समझ जाओगे पूरी जानकारी कि उसमें क्या चाहिए, क्या बताया गया है और कौन सा काम है, क्या वर्क है, क्या इंडस्ट्री है, सब कुछ मिल जाएगा जानकारी। तो यूट्यूब चैनल है हमारा इनलेट जॉब के नाम से, इनलेट INLETJOBS, बस वो सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, उसको प्लीज सब्सक्राइब कर ले। और अभी जो मैंने काम बताया है वो तो काम अभी है प्रेजेंट में, बाकी बहुत सारे कैटेगरी ऐसे हैं जो अभी नहीं है प्रेजेंट में, तो उसके जानकारी के लिए आप, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप चलता है इनलेट जॉब के नाम से, व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको सिर्फ मेरे व्हाट्सएप पे एक बार हेलो करना है 9310292532 पे, सिर्फ एक बार हेलो करने से आपको एक व्हाट्सएप का एक लिंक मिलेगा, बस उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको एक ज्वाइन ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा, ज्वाइन ग्रुप पे क्लिक करेंगे और ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे, फिर उसमें आपको जो भी काम आएगा विदेश का उसको आपका आपको मालूम चलता रहेगा। पहला चीज तो ये होगी आपका व्हाट्सएप का। दूसरा, आप हमारा यूट्यूब चैनल इनलेट जॉब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, उससे आपको जो भी नया काम आएगा विदेश के बारे में वो आपको तुरंत आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। और
इसको देखिए आप, ये काम जो मैंने बताया आपको इसको देखें, इसमें कमेंट बॉक्स में इसमें आपको वो सबका पेपर मिल जाएगा। तो जो भी इंटरव्यू देना चाहते हैं वो डायरेक्ट आए, कोई इशू नहीं है। फोन अगर देखिए, अब ये मेन पावर है, ठीक है। अब यहाँ पे दिल्ली से, बिहार से, यूपी से, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, यहाँ तक कि बॉम्बे और हैदराबाद और कोची, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब जगह से फोन आता है। तो फोन पे उतना कैपेसिटी होता नहीं, क्योंकि अभी हम लोग ने कोरोना का देखा है, कोरोना काल कितना बुरी तरह से लोगों को पे गुजरा है। तो इस सूरत में अभी बहुत काम भी खराब है हुआ है और बहुत स्टाफ की भी कमी है, ठीक है। तो इस वजह से कॉलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आप लोग को, कि कॉल रिसीव नहीं होता, मैसेज का रिप्लाई नहीं होता। सबसे अच्छा बता रहा हूँ आपको, आप एक बार मैसेज करें व्हाट्सएप पे, ग्रुप में बस ऐड हो जाएं, या हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको विदेश में आपका जो भी काम है, व्हाइट कॉलर हो, ब्लू कॉलर हो, रेड कॉलर हो, जो भी कॉलर है आप, आपको हर तरह का काम मिलेगा। लेकिन यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसी पे ज़्यादा अपडेट होगा। अब व्हाट्सएप पे क्या होता है, एक ग्रुप नहीं हमारा, हमारा कम से कम भी तो 125 या 122 ग्रुप है, और हर ग्रुप में 200 से ऊपर मेंबर अवेलेबल है। तो उसमें क्या होता है कि हम पहले ग्रुप में बहुत सारा काम छोड़ देते हैं, अब बहुत सारे लोग फिर उस पर मैसेज करना शुरू कर देते हैं, एक बार में मैसेज 900-1000 हो जाते हैं, तो पॉसिबल है नहीं उतने लोगों से चैट करना। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, काम आप जब देखते हो तो उसी, आप बस काम देखिए, वीडियो फिर देख लो, वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको काम को लेकर, क्या काम के बारे में आपको बताया जा रहा है, कि किस तरह के बंदे चाहिए, कितना उम्र चाहिए, पेपर में क्या चाहिए, वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। तो आपका कॉल पे जो आप पूछोगे वो आपको वीडियो में उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो आपका प्रॉब्लम, आपका जो भी क्वेरी था, इंक्वायरी था, सब क्लियर हो जाएगा। आपको बस करना क्या है, ऑफिस विजिट करना और डायरेक्ट इंटरव्यू में पार्टिसिपेट, क्लाइंट आपके सामने बैठेगा, फेस टू फेस आपका इंटरव्यू करेगा। मेरा काम है सिर्फ आपका इंटरव्यू कराना, हम लोग ना वीजा देते हैं ना टिकट देते हैं, हम सिर्फ आपका इंटरव्यू कराते हैं। वीजा देने का काम बॉम्बे का है, वीजा देने का काम डायरेक्ट कंपनी का भी है, ठीक है। मेरा सिर्फ काम है आपका इंटरव्यू कराना, आप आओगे, अपना पेपर सबमिट करोगे, फॉर्म रेडी होगा और आप क्लाइंट के सामने फेस टू फेस, लोग जो पास होते हैं अपने काबिलियत से और अपने नॉलेज से ही पास करते हैं, क्योंकि क्लाइंट उनसे क्वेश्चन करेगा और आपको आंसर देना, कोई ऐसा सेटिंग नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर सेटिंग होना लगे ना तो भाई कोई भी बंदा ना बेरोजगार ना रहेगा, हर कोई को रोजगार मिलेगा। इसलिए कोई भी सेटिंग नहीं है, आपका नॉलेज, आपका आपका काबिलियत ही आपको इंटरव्यू में पास कराएगा। मेरा सिर्फ काम है आपका सपोर्ट करना, आपकी मदद करना, आपका फॉर्म रेडी करना, आपको कोशिश करना। क्लाइंट से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं हम कहीं कहीं पे कि कैंडिडेट उस लाइक है, आप एक बार उसको ट्राई करो, 10 क्वेश्चन आपने किया, आप उसे 20 क्वेश्चन कर लो, 20 क्वेश्चन में वो 15 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन का जवाब देगा। आपने 10 क्वेश्चन किया, 10 में से उसने 3 का जवाब दिया या 4 का जवाब दिया, आप इस पे आप उसको फेल कर रहे हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए, 15 क्वेश्चन कीजिए, इतना मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। उससे ज़्यादा हमारा पावर नहीं है क्लाइंट के सामने, क्लाइंट ही लड़के को सिलेक्ट करता है, क्लाइंट ही लड़के को सैलरी बताता है, क्लाइंट ही लड़के को सामने, अपने सामने पेपर पे सिग्नेचर करवाता है ऑफर लेटर पे, ठीक है। और ये बहुत लोग सोचते होंगे फेक है या कुछ, बहुत कमेंट आता है हमारे पास, लेकिन खुदा गवाह है जो भी हमारे ऑफिस में आते हैं हमारा नाम लेते हैं कि इनलेट ऑफिस जेन्युइन है, अच्छा काम करती है, ठीक है। आप एक बार ट्राई करें, हर किसी के पास दिमाग है, हर कोई जानता है कौन सही है कौन गलत है, इसलिए आप खुद सोचें कि ये सही है कि नहीं है, एक बार ट्राई करें। हर कुछ यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, हमारा कुछ नहीं, आप आओगे ऐसा नहीं है आप पासपोर्ट दिए हम रख लिया, ऐसा नहीं, आप इंटरव्यू दोगे आपको खुद सब कुछ आपके सामने रहेगा, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ आप अपना देखो, क्लाइंट आपके सामने है, इंटरव्यू कर रहा आपका, आपसे पूछ रहा, आपको ओके कर रहा तो आपका सैलरी लगा रहा, फेल कर रहा तो आपको रिजेक्ट कर दिया, पासपोर्ट लेके आप घर जाओ, ठीक है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। और थोड़ा मेहनत हो गया वीडियो पे, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, थोड़ा मेहनत लगता है बनाने में, और ये लाइव वीडियो है, कोई भी एडिटिंग नहीं है इसमें, कुछ भी मैंने इसमें एडिटिंग नहीं किया, मैं खुद फेस टू फेस आपके सामने लाइव हूँ। अशरफ खान मेरा नाम है, इनलेट जॉब से हूँ मैं, और हमारा ऑफिस ओखला सराय जुलैना में है, और
मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि उसको थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस पर बहुत सारे वीडियो मैं उस पर बहुत मेहनत कर भी रहा हूँ इंशाल्लाह। ओके दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।